2012 में ज़्यादा पुरानी नहीं, नहीं है। इसके जब पार्ट्स होंगे ड्राइविंग का। Changed at all, and if you could.
ये टू सीट चलाने के लिए नहीं है गाड़ी, आपको समझ गया? दो डबल सीट चलाने के लिए नहीं है गाड़ी बनी। और ये हैंडल बार का नहीं, हाँ हैंडल बार काफ़ी स्मूथ है, मतलब हाँ मैं बहुत अपराइट भी नहीं हूँ, बहुत लो भी नहीं हूँ, उस हिसाब में ठीक है। हाँ चालू है, आप पकड़ के बैठो। का जो फ्रंट का डिस्क है वो 290 है और रियर का डिस्क है वो 220 mm का स्टैंडर्ड। रियर का सबका सेम ही होता है ये सेगमेंट में, और 220 mm का ही होता है, बाकी फ्रंट डिस्क थोड़ा बड़ा होता है। 390 का आई थिंक 320 mm का है। साउंड कैसा है, आवाज़ कैसा है? ज़्यादा लग रहा ना आवाज़, डबल सिलेंडर है ना। आपको कंफर्ट है क्या पीछे? हाइट पे भी, और छोटी सीट है ना, काफ़ी छोटी सीट है। फोर थाउजेंड आर पी एम पे तो ऐसी चलती है गाड़ी। इसका आई थिंक 5000 के ऊपर जो है ना पीक पावर निकलता है इस गाड़ी का। माइलेज 35 तक होगा इसका, वही तो मैं आपके साथ में ये बाइक के बारे में बात कर रहा था। अभी जैसे कि सब है कुछ है साइलेंस में, तो मैं ये बाइक के बारे में बता रहा था कि ये बाइक है काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इसमें जो पावर है, पावर डिलीवरी जो है आई थिंक 4000 और 5000 आरपीएम के ऊपर जो है वो स्टार्ट होती है। और इसमें DOHC है जो अपने टाइम के हिसाब से मतलब काफ़ी एडवांस्ड है, तो DOHC होने की वजह से इसमें कैसा इसमें शायद होना चाहिए कि वेरिएबल वाइल टेक्नोलॉजी कुछ चीज़ें रिलेटेड हो, ज़्यादा अच्छे से मिलता है 4-5000 के ऊपर, ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। और इसके बारे में और एक चीज़ मैं जो बताना चाहता हूँ, जो इसका ये जो ट्रांसमिशन है
वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है आज के कंपैरिजन में। उसके उसका जो ट्रांसमिशन है वो करीब 6 स्पीड मैनुअल, मतलब 6 स्पीड ट्रांसमिशन है। इसमें स्लिपर क्लच नहीं आ रहा था तब, तो इसका जो गियर जो स्लिपर जो क्लच है वो भी काफ़ी टाइट है, और इसका जो पोजीशन है वो काफ़ी मतलब अपराइट, काफ़ी अपराइट भी नहीं है और काफ़ी लो भी नहीं है। बट इसका जो मुझे हाथ पे जो है वो प्रेशर पड़ रहा है अभी, और इसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम हो रही है चलाने में डबल सीट में। बट आई थिंक सिंगल सीट चलाऊंगा तो मतलब अगर मैं अकेला बैठ के चलाऊंगा तो शायद इतनी प्रॉब्लम ना हो। और इसका जैसे कि आपने देखा कि इसमें ये जो इंजन है वो लिक्विड कूल्ड है, जो इसके पहले के जनरेशन के आते थे वो लिक्विड कूल्ड नहीं होते थे आई गेस। और इसका बाकी का जो